अब आपसे बात करेंगे उस मसले पर कि येदुरप्पा का, कई लोग कह रहे हैं ये अमित शाह का लार्जर गेम प्लान है, येदुरप्पा से एक समय के बाद कोशिश ना करवाना, इस्तीफा दिलवा देना। हो सकता है दूर की कौड़ी हो, क्योंकि हमें तो ये भी दिख रहा था कि लगातार प्रयास हो रहे थे विधायकों को अपने पक्ष में जुटाने के लिए, और डीके शिवकुमार का भी बार बार जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे उस बात की जिसका जिक्र येदुरप्पा ने अपने भाषण में किया। येदुरप्पा जिन्होंने ये कहा कि हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनादेश लेकर आएंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि ये 5 साल बाद हो। आई रिपीट, येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने से पहले जो भाषण दिया उसमें कहा येदुरप्पा और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता फिर से जनता के बीच जाएंगे, स्पष्ट जनादेश लेकर आएंगे, जनता को अपनी बात बताएंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए हमें 5 साल इंतज़ार करना हो। क्यों कह रहे हैं येदुरप्पा ऐसा? क्या उनको लग रहा है कि 2004 के प्रयोग की तरह एक बार फिर से जेडीएस और कांग्रेस का प्रयोग फेल हो जाएगा? तब धर्म सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जेडीएस सहयोगी थी, इस बार जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही और कांग्रेस सहयोगी। इस पर हमारे बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर विनय सुल्तान। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये डीके शिवकुमार की तस्वीर है। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई और यहीं से विधायकों को आना था, और डीके शिवकुमार यहाँ चहलकदमी कर रहे थे ताकि जैसे ही प्रताप गौड़ा और आनंद सिंह आए तुरंत उनको गपिया लिया जाए। डीके शिवकुमार के रोल के बारे में हम लोग अलग से भी बात करेंगे, पर फिलहाल सिद्धारमैया के बाद जो मुख्यमंत्री बने थे येदुरप्पा, उन पर बात कर लें। और सिद्धारमैया से उनके क्या संबंध थे ये भी देख लीजिए जरा, ये एक बड़ी चर्चित हो रही तस्वीर। गुलाम नबी आज़ाद एच डी कुमारस्वामी से बात कर रहे हैं और बुंदेलखंडी लहजे में कहें तो सिद्धारमैया भकुरे बैठे हुए हैं, मतलब नाराज बैठे हुए हैं, कट्टी वाले मोड में बैठे हुए हैं। जी बताइए, क्या ये एक संभावना है जो मुझे लग रहा है अपनी सीमित राजनीतिक समझ में कि हो सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर से कोशिश करे कि कर्नाटक में जो सरकार बनने जा रही है वो गिर जाए और उसके बाद चुनाव हो और वो चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो और उसका फ़ायदा मिले और जैसी 2007 में सहानुभूति लहर चली थी वैसी लहर चलाने की कोशिश हो? जी, मतलब अभी तक का जो संकेत इनका दिखाई दे रहा है वो वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कि 2007 में इनको संकेत मिले थे। दरअसल हुआ ये था कि 2007 में जब इनका कश्मीर फॉर्मूले के ऊपर जो समझौता हुआ था कुमारस्वामी और येदुरप्पा का, तो उस समय 20-20 महीने दोनों को शासन करना था। कुमारस्वामी का जो टेन्योर था वो अक्टूबर 2007 में ख़त्म हो रहा था, 3 अक्टूबर 2007 को उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। फिर बाद में इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने से मना कर दिया, एक तरीके से राष्ट्रपति विधानसभा भंग करने की संस्तुति कर दी थी और राष्ट्रपति शासन लग गया था उस दौरान। बाद में बहुत रसाकसी के बाद में जेडीएस और बीजेपी का समझौता हो पाया था। तो 9 नवंबर 2007 को येदुरप्पा इसी दिल्ली में थे, राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और राजनाथ सिंह ने उस समय इनको साफ मना कर दिया कि आप ऐसा करिए कि आप जेडीएस के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाने के बजाय जनता में जाइए और सहानुभूति लीजिए और सरकार मतलब मुख्यमंत्री मत बनिए। तो इन्होंने उस समय हाँ हाँ बोल दिया था कि मैं नहीं लूँगा, और 12 नवंबर को उन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर का की शपथ ले ली। लेकिन ये मतलब राजनाथ जेडीएस ने तब सपोर्ट कर दिया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन इनका अलग थोड़ा सा प्लान उस समय खुद का मेरे को लगा कि येदुरप्पा के दिमाग में भी क्लियर था कि ये गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है। तो जो 7 दिन का जो इनका कार्यकाल था उस समय उन्होंने फ्री राशन योजना शुरू कर दी थी, मतलब राशन कार्ड बहुत सारे लोक लुभावन स्कीम्स का ऐलान, सिमोगा गुलबर्गा में इन्होंने एयरपोर्ट दे दिया था, बाईसाइकिल योजना, बाईसाइकिल जो स्कूली बच्चों को मुफ्त वितरण होने वाली, इस तरीके की लगभग एक दर्जन से ज्यादा योजनाएं 7 दिन के कार्यकाल में पास कर दी थी। पिछला जो इनका 2.5 दिन का कार्यकाल उसमें इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, ही ऐलान शुरू किया, हालांकि वो कोई भी ऐलान माना नहीं जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दे दिया था। आप ये तो है कि कल मैसेज चला जाता है, ये चुनाव में जब जाएंगे तो इन्होंने ये कहेंगे कि 2.5 दिन रहा लेकिन मैं इतना काम करने की मैंने कोशिश की, कुर्सी पर बैठते ही मैंने आदेश जारी करने शुरू कर दिए थे और मैं किसानों को लेके, और कर्नाटक में किसान आत्महत्या बड़ा मसला रहा है और किसानों का कर्जा जो है वो बड़ा मसला रहा है शुरुआत से, भी समस्या है। जो टॉप 5 जो स्टेट हैं किसान आत्महत्या के भारत में उसमें कर्नाटक भी एक है, और
इस तरीके से वहां पे कृषि संकट भी है, तो किसानों के वोट जो लुभाने के लिए उन्होंने पहला ही ऐलान किया। जेडीएस भी अपने आप को किसानों की ही पार्टी बता दें, और येदुरप्पा अभी अपने इतिहास में एक बड़े किसान लीडर रहे हैं। शुरुआती दौर में जब उन्होंने राजनीति की, जब उन्होंने अपने लिंगायत आइडेंटिटी को असर्ट नहीं किया था उस तरीके से, तो ये है। तो इससे ये अपने को संकेत मिल रहे हैं कि जो सहानुभूति लेने की कोशिश जो येदुरप्पा लगातार कर रहे हैं, तो उसका ये मानने हैं कि 2019 से पहले ये एक बार जो है ये तख्ता पलट करने की कोशिश जरूर होगी। और जिस तरीके की बाढ़ बंदी अभी डीके शिवकुमार ने 116 अपने विधायकों की, और जो दो सीटें अभी बाकी हैं जिसपे 28 मई को चुनाव होने वाले हैं, वो नंबर गेम के हिसाब से बहुत क्रूशियल हो जाएंगी। अब देखना होगा कि उस पर कौन जीतता है। हाँ, फिलहाल के लिए तो क्रूशियल है। एक विनय संभावना ये भी है कि अभी तो सबको मीठा मीठा दिख रहा है, सत्ता दिख रही है, सब विधायकों को लग रहा है कि हमको लॉलीपॉप मिलेंगी, जो बने रहे वो अपनी कीमत चाहेंगे, है ना, कि हमने वफादारी दिखाई, हमने निष्ठा नहीं बदली। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल बनेगा, कुछ लोग मंत्री बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, दावा बहुतों का होगा, जो नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, और उन जिलों में उन विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा पेचीदा स्थिति होगी जहाँ पर जेडीएस कांग्रेस को हरा कर आई है या कांग्रेस जेडीएस को हरा कर आई है। और ऐसा सबसे ज्यादा हुआ है देवेगौड़ा के गढ़ मैसूर या साउथ कर्नाटका में, मैसूर हासन वो जो पूरा इलाका है। अब मसला ये है कि मान लीजिए एक झगड़ा हो गया, एक तरफ जेडीएस का कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, एक तरफ विधायक जी पैरवी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर रहा नेता पैरवी कर रहा है, किसकी चलेगी? और ये हर जिले में होगा। जो स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको समझ में नहीं आएगा। मैंने देखा 1994-95 में जब बसपा की सरकार बनी, बीजेपी वाले बड़े परेशान कि लात जूता दिन भर इनसे हुआ, चुनाव इनके खिलाफ लड़के जीते, अब इनकी सुने कि अपनी सुने, सीएम इनका है, कुछ बोल नहीं सकते। ये बड़ी दिक्कत आई थी, ये बड़ा मसला हुआ था, और ये यहाँ पर भी होगा। और उससे मुमकिन है कि असंतोष बढ़ता ही जाए और उसके बाद अमित शाह और कंपनी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो जो चीज़ रेड्डी ब्रदर्स नहीं कर पाए, डीके शिवकुमार कर ले गए, उसके बजाय कुछ ऐसी नई परिस्थितियाँ आ जाएँ कि और दूसरे राजनीतिक प्रलोभन देकर कि देखो हम तो तुम्हें मंत्री बना रहे थे और उन्होंने तुम्हें विधायक ताकि सीमित किया। ये एक मसला रहेगा कि सत्ता हासिल करना, शक्ति हासिल करना और उसके बाद शक्ति का बंटवारा, इसके अंतर विरोध कैसे होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों स्वाभाविक विरोधी हैं। सिद्धारमैया की जो पूरी पॉलिटिक्स रही और HD कुमारस्वामी की जो पॉलिटिक्स है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 5 साल चलेगी। ये तो पोस्ट पोल इलेक्शन जहाँ कहीं भी होते हैं तो इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन तो हर जगह ही अपने को देखने ही मिलते हैं। तो ये तो होगा ही मैसूर में और तमाम सारी जगहों पे। इससे मैं बिल्कुल, मतलब मेरा दिमाग तो बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों की योजना यही है कि 2019 से पहले या 2019 के लोकसभा चुनाव के समय फ्रेश मैंडेट किसी भी तरीके से ले लिया जाए, और इसी योजना के चलते ये लोग कांग्रेस जेडीएस की ये योजना होगी कि किसी भी तरीके से बीजेपी को इस मंसूबे में कामयाब ना होने दिया जाए, क्योंकि अभी 28 में से कर्नाटक की 17 सीटें भाजपा के पास हैं, बाकी कांग्रेस और जेडीएस के पास हैं। अगर कांग्रेस और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को 17 तो क्या कहो, 7 ना मिले, अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि तब तक इनका एक साल हो जाए और ये कहो इतने अलोकप्रिय हो जाए कि ये बाकी 8 सीटें भी ना बचा पाए, दोनों ही संभावनाएं हैं। लेकिन ये बड़ा पेचीदा हो जाएगा बीजेपी के लिए अगर कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस साथ लड़ते हैं, क्योंकि तब वो कई और राज्यों के लिए भी संकेत होगा। उत्तर प्रदेश के लिए संकेत होगा कि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ें, जिसकी अभी संभावना जताई भी जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सीटों के बंटवारे को लेकर बात फंस जाए और कई जगह फ्रेंडली फाइट हो, उसमें कांग्रेस कैसे अकोमोडेट होगी, राष्ट्रीय लोकदल कैसे अकोमोडेट होगा। तो जिन जिन जगहों पर कांग्रेस सीधे चुनौती देने की स्थिति में नहीं, वहां पर वो यही कोशिश करेगी। और जो इनका मिशन साउथ पूरा चल रहा है 130 सीटों का, उस पर भी हो सकता है, एक अलग से हम बात करेंगे मिशन साउथ पे। कर्नाटक में अगर जेडीएस और ये साथ बने रहते हैं 2019 के चुनाव तक, तो क्या वो नरेंद्र मोदी की चुनावी संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका होगा? नरेंद्र मोदी की चुनावी संभावनाओं के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि आप इस तरीके का पोलराइजेशन देखिए, वीरेंद्र पाटिल के बाद में मतलब ये बने लिंगायत चेहरा थे येदुरप्पा, उसके बाद जगदीश हटार एक तरीके से वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद में येदुरप्पा को तीसरी मर्तबा सत्ता खोनी पड़ रही, तो लिंगायतों में कांग्रेस की भी कुछ पकड़ है। और इस बार जो सिद्धारमैया ने जो चुनाव
मतलब चुनाव से पहले जो ऐलान किया था धार्मिक अल्पसंख्यक का अल्पसंख्यक वाला मुद्दा का दर्जा देने के, इसके वजह से और मठों कई लिंगायत मठों ने उनको कांग्रेस को उस समय समर्थन दिया था, तो ये जो मास बेस उनका नया खड़ा हो रहा था, ये फिर से मेरे को लगता है कि लिंगायत जो, क्योंकि वोकालिका मुख्यमंत्री एक फिर से आ रहा है और उसके बाद में डीके शिवकुमार जो वोकालिका समुदाय के चेहरे हैं वो इस पूरे के पूरे गणित को, या यूं कहिए कि येदुरप्पा को सत्ता से बाहर निकालने में ये जो पूरा लोग ये कह रहे हैं कि ये वोकालिकाओं की सरकार है, लिंगायतों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो जिनको दिया भी जाएगा उनको नेता मानेगा समुदाय की नहीं, ये मसला है। तो ये है कि लिंगायत समुदाय का जो ध्रुवीकरण है वो निश्चित तौर पे येदुरप्पा की तरफ और अधिक मतलब बढ़ेगा, ऑलरेडी काफी हो चुका है। इसीलिए आप जो मुंबई कर्नाटक और सेंट्रल कर्नाटक में देखेंगे तो बहुत हचक के सीटें मिली हैं बीजेपी को, मतलब कोस्टल कर्नाटक में तो बहुत मिली, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा फसल काटी गई है वो वहीं पे कर्नाटक का जो सेंट्रल तो मतलब मिक्स पॉपुलेशन टाइप का मामला है, लेकिन मुंबई कर्नाटक में इन लोगों ने खूब मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो ये एक तो संभावना ये है, और दूसरी संभावना ये है कि अगर यहाँ पे जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो ऐसी कई राज्य है, मान लीजिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जहां पे कांग्रेस उस तरीके से ताकत में नहीं है, तो वो एक उस किस्म के अलायंस में, और जो विपक्ष को एकजुट करने का बीजेपी के खिलाफ जो उसका मिशन है, तो उसमें वो पहला, मतलब आप समझिए कि पहला डग इन्होंने भरा है कर्नाटक से ही और आगे, कि बिहार को भी पहला डग कहा जा रहा था महागठबंधन, राहुल गांधी की बड़ी रणनीतिक सफलता, हाँ तो वो पर वो अंतर विरोधों से वो भी ध्वस्त हो गया। और बीजेपी की भी उम्मीद इसी अंतर विरोध पर टिकी हुई है कि जो दो राजनीतिक दुश्मन है वो कितने बरस साथ चलेंगे, जब हम बसपा के साथ नहीं चल पाए तो ये कैसे चल लेंगे। एक उदाहरण हालांकि महाराष्ट्र का भी है, जहाँ पे कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने लगातार 10 साल तक सत्ता संभाली, सरकार चलाई 2014 में, बल्कि हाँ और 15 साल तक, लेकिन वहां पर भी एक मसला है। मसला ये है कि वहां सरकार इसलिए भी चल गई क्योंकि एनसीपी भी कांग्रेस का ही एक वर्जन था और दोनों की नीतियों में कोई क्लैश नहीं था और दोनों ने अपने अपने एरिया बांट रखे थे, सुभीता था। तो ये है कर्नाटक का मामला। चलिए, सिद्धरमैया की सरकार के इस्तीफे, विश्वास मत से पहले की बात में कई लोग नेतार्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी अपने तही समझने की कोशिश की कि इनका 2019 पर क्या असर हो सकता है, कर्नाटक की सियासत पर क्या असर हो सकता है। अगले फेसबुक लाइव में आपको बताएंगे कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी, अमित शाह का मिशन साउथ जिसकी शुरुआत कथित तौर पर कर्नाटक से हो चुकी थी वो अब कहां पर है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में क्या कदम उठा रही है भाजपा अपना मिशन साउथ, मिशन 65+ पूरा करने के लिए। 65 का नंबर क्या है, ये 65 का नंबर क्यों आया, और 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर ये मिशन 65+ सफल हो जाता है तो नरेंद्र मोदी के सत्ता में लौटने की क्या संभावनाएं। आप देख रहे हैं thelallantop.com। शुक्रिया।